चलिए तो हम लोग अब आखिरी में तो बात करेंगे जिसमें हमें संदेश लेखन। देखो संदेश लेखन क्या होता है, तो किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को दिए जाने वाले सुखद या दुखद समाचार ही क्या कहलाता है, संदेश कहलाता है। जैसे मान लो चलो कि कोई आर्मी का जवान है बॉर्डर पे लड़ रहा है और उसकी मान लो कि मृत्यु हो जाती है, तो वो जब घर पे आता है तो उसका संदेश सुनाने के लिए आता है ना आर्मी के जवान, तो उसको कहते हैं दुखद संदेश। ठीक, अब मान चलो कि 26 जनवरी के दिन जो राष्ट्रपति है वो लाल किले पे आके ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद वो संदेश देंगे, उसको कहेंगे सुखद संदेश। यानी संदेश दो प्रकार के होते हैं, सुखद और दुखद, और जगह जगह के ऊपर हमको संदेश दिए जाते हैं। जैसे मान लो कभी किसी जगह पे नेता होता आ जाते हैं तो कहते हैं कि दो लाइन सब्जी दो लाइन कह दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है उसको कहते हैं लोग संदेश। ठीक है, अब संदेश हमें किस प्रकार दे सकते हैं, तो देश या राष्ट्र के नाम पे संदेश दे सकते हैं हम लोग, या तो किसी को शुभकामना में संदेश दे सकते हैं, और या तो किसी पर्व या त्योहार के ऊपर संदेश हम दे सकते हैं। तो ये तीन तरीके से हमको संदेश देना होता है। ठीक है, अब जैसे कि वही मैं 26 जनवरी बताया कि राष्ट्रपति आएंगे भाषण देंगे, भाषण के अंदर क्या करेंगे, लाल किले से पूरे देश को संदेश देंगे कि हमारा देश विकास कर रहा है और बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ेगा। अभी मान लो कोई त्योहार आया, त्योहार का मतलब कि अभी सरस्वती पूजा आने वाला है, उसमें तरह तरह के जगह पे पंडाल लगेगा, पंडाल में माइक लगेगा, माइक में भाषण देंगे, कोई नेता को चीफ गेस्ट बुला देंगे रिबन काटने के लिए, तब कह देंगे कि ये पंडाल बहुत ही जबरदस्त बना है और इसको बहुत ये वो मतलब बहुत सारी चीजों को उसमें जोड़ जाड़ के और एक संदेश दिखाया जाता है कि उन्होंने काफी बढ़िया कार्य किया है। क्लास में संदेश दिया जाता है, मान चलो कि अभी ये जो क्लास है इसमें कोई तंग की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, तो संदेश हमारे द्वारा दिया सकता है कि थोड़ा सा पढ़ो लिखो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, नहीं तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं संदेश। ठीक है, संदेश पॉजिटिव या फिर तो ये था आप लोगों का संदेश, और ऐसे करके ये चारों पार्ट हो गया हमारा समाप्त। अब आपको चारों पे एक एक आपको लिख के लेके आना है साथ में पत्र और अनुच्छेद के साथ।